आउट आउट, अभी बाहर है, अभी बाहर है। कमेंट करके बताना एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी। बहुत तेज थी यार ये वाली, तो रिफ्लेक्स का भी टाइम नहीं था। अरे उठो उठो उठो। चाकू भाई अभी इसको काटते हैं, रुको। एक तो यार बेटे माज कर दी, वाह बेटे वाह, पिचकारी मारी भाई, चाकू अंदर डालते मुंह पे तो कुछ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है संडे का दिन और आज हमारा एक मैच होने वाला है, 20 ओवर का सेकंड स्लॉट में मैच है। और अभी के टाइम की बात करें तो भाई 9 ऑलरेडी बज चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा था और नारियल पानी, आजकल मैं रेगुलर हो रहा हूँ, रोज का एक नारियल पानी तो जरूर पी रहा हूँ। देखते हैं भाई इसके रिजल्ट, अगर कुछ मेरे को अलग से नजर आएंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और आज का 20 ओवर का मैच होने वाला है, कलर ड्रेस के साथ हमें जाना है और व्हाइट बॉल से मैच है, तो लेट्स सी। और जो लास्ट आपने व्लॉग देखा होगा, व्लॉग चैलेंज वीडियो नहीं, व्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ, वो जिस टीम के साथ मैंने खेला था वही टीम जिसमें हमने एक रन से मैच जीता था। अगर आपने अभी तक वो वाला व्लॉग नहीं देखा है आप जा सकते हो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा उसका, फटाफट से जाके वो वाला व्लॉग देख लीजिए। थोड़े टाइम बाद मैं मिलता हूँ, एक बार नारियल पानी पी लेते हैं। आर यू रेडी? हम तुम्हें खत्म करने वाले हैं। यस यस ओके चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाइयों आपका भाई फुल रेडी, और ये रही आज की हमारी ड्रेस। भाई काफी लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर अच्छी लगती है, तो भाई थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। और बाकी यार ये कंप्लेंट है भाई, मेरा कोई व्लॉग देख रहा है जिनके साथ मैं मैच खेलता हूँ, मेरे किट बैग में एक ही इनर पड़ा हुआ है भाई, किसी के पास दूसरा हो तो भाई दे दो ना, या ये वाला भी ले लो। मतलब एक इनर छोड़ के भाई एक हाथ में थोड़ी ना पहनू है यार, वो दूसरा पता नहीं कहाँ गया, किसने लिया है, क्या हुआ है। पूरा मोटिवेटेड हूँ मैं, एंड अभी भाई वीडियो भाई बेस्ट रहती है भाई, मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूँ मैं विराट कोहली की, लेट देम हिट। सर्विस करवानी है आपके भाई को। पर यार जाते हुए एक चीज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया भाई, मम्मी मेरे पास आई और मम्मी ने दही चीनी जो होते हैं वो खिलाया यार। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा स्पेशल लगती हैं, क्योंकि यार जितना सपोर्ट पापा मम्मी ने करा है भाई, आप में से काफी सारे लोग के कॉमेंट्स भी आते हैं कि भाई आपके पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं, काश हमारे भी होते ऐसे। भाई शुरुआत में भाई मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि यार जब आप किसी चीज के पीछे लगे रहते हो और आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो मम्मी पापा को लगता है यार इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर आप उनको प्रूफ करते रहोगे धीरे धीरे, कोई ट्रॉफी कुछ जीत के लाते हो या फिर अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे स्टेज पे जाके खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, स्टेट खेलते हो, कैप्टन बनते हो किसी चीज के, तो भाई आपके मम्मी पापा को भी भरोसा आने लग जाता है कि हाँ यार हमारा बेटा बेटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि भाई पापा मम्मी आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। भाई अपने आप को पहले प्रूव करके दिखाओ ताकि वो आपको सपोर्ट करें। मेरे को भी सपोर्ट स्टार्टिंग से नहीं था, मेरे भी भाई जब मतलब डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स आने होते थे और पेपर होते तो मेरे को एग्जाम ही दिलाए जाते थे, ट्रायल्स में छोड़ा करता था भाई लिटरली। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने बोला कि भाई मैं मैनेज कर लूंगा, उसके बाद से सपोर्ट करने लगे। और अभी जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है और आप सभी का इतना प्यारा सपोर्ट मिला है मुझे, तो उसकी वजह से और उनको भरोसा आ गया है मेरे ऊपर, तो इसीलिए मैं इसी फील्ड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी गाइड थी, मैंने कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट देखा था भाई का कि भाई आप बहुत लकी हो यार। लकी? यस आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव देम एज माय पेरेंट्स, क्योंकि यार मम्मी मेरे से ज्यादा चाहती है कि मैं रन मारूं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूं। जाते जाते मम्मी ने बोला बेटा रुक, दही चीनी लेके आई और मेरे को खिला दी, बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा क्यूट यार। एंड अब चलते हैं ग्राउंड की तरफ, वहां पे जाएंगे अपना बेस्ट देंगे, लेट्स गो। हम ग्राउंड में तो आ चुके हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली और एक और गाइस आते हुए
आज देखो मैं तेरी कैसी घूमा है। ये हमारे रोहित मौर्य लेफ्ट आर्म, आज ये क्या हाल है। दूसरी टीम का भी मैच चल रहा है वहाँ पे, ये छोटी सी कैंटीन है, इसको साइड में जाके वहाँ देखिए मैच अभी चल रहा है। तो अभी भाई एक तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं तो मतलब प्रैक्टिस के लिए गया, थोड़ी 10-15 बॉल खेली होंगी, उसी में इतने ज़्यादा पसीना आने लग गए भाई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। One hour later. मैच खत्म हो चुका है, यश को भी ले आए हैं, कैफ भी आ रहा है अभी इसका दोस्त, अगर खेलने का मन करा तो इन्हें खिला भी देंगे। तो हवा चल रही है, हां अब तो खेल लेगा ना। ये वाला ग्राउंड कैसा लगता है तुझे बता, खेला भी भाई तू इसमें? भाई टेस्ट मैच खेलने में मजा आया है, बट आज हम 20 ओवर का खेलने वाले हैं। ये है आज की विकेट, हमारी टीम टॉस जीत चुकी है और हमारी टीम ने पहले फील्डिंग चूज करी है, और ये टूर्नामेंट का मैच है भाई, मुझे पता ही नहीं था अभी भैया से पूछा, तो टूर्नामेंट का मैच है, हमारी फील्डिंग है पहले। क्या हाल है भाई के, चप्पल वप्पल देख रहा है, ग्राउंड मौज नहीं है पता है भाई, एक नंबर लग रहा है कैमरे में तो, अलग ही चमक रहा है भाई। बारिश आएगी ठीक है, किट विट पैक करके रखना, कवर्स ना थोड़ा आगे से लेके रखना। अच्छा पहले ओवर ना मीडियम पेसर को भी ठीक है, मैं हूं ना कप्तान, समझ गया। इसको बुलाया किसने? कोच साहब। प्रेडिक्शन बताओ ब्रो। मैं मेरे को 150 के आसपास लगूंगा। जिम में हम जा रहे हैं? नहीं नहीं पागल, जिम क्या होता है। कितना बनेगा? 145 सात विकेट के साथ। सात विकेट के साथ भाई, विकेट भी बता दी भाई। विकेट भाई 5। आकाश चोपड़ा हो रहा है। 1 2 3 4 बता दी भाई। ऊपर? हाँ ऊपर हूँ भाई, स्पिनर है। रुकेगी? हाँ ये 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 रुके ही रुकेगा। वेरी वेल बॉल कपिल, शाबाश। चेक हो गया, हो गया। ऊपर है, ऊपर ये नहीं ओवर। और ही शॉट, और ये यहाँ पे कैच पकड़ लिया। एक विकेट गिर चुकी है, कैच। 1 2 3 जय माता दी। इसी के साथ पहली विकेट गिर चुकी है, पहले ओवर में 2 चौके आ गए थे। सेकंड मैच हो रहा है भाई और रफ भी हो चुकी है, 1:30 बजे की बारिश भी बता रखी है, अभी तो 11:30 कुछ टाइम हो रहा है, देखते हैं बारिश आएगी या नहीं। ओए ओ ब्यूटी, कल कैप कल कैप कल कैप, ठीक है ठीक है। एक्सीलेंट बॉल, यहाँ पे 1 रन। शाबाश, गुड कैच, धन्यवाद, वेरी वेल विकेट, शाबाश, एक्सीलेंट भाई। ओ भाई, इसी के साथ 2 विकेट हम ले चुके हैं, ये बहुत बड़े बॉल डाली भाई ने ड्राइव के लिए, और कॉट बिहाइंड आपके भाई ने कर लिया। इधर घूमना थोड़ा, कैच दादा बाहर डाल दी, बैट्समैन ऊपर ही हूँ भाई, गब्बर। कितने याद हुए थे, मार दो पाजी। नहीं यार, अरे यार ठीक है नहीं हो रहा, मैं तो कमिट भी नहीं कर रहा। आओ सर, ये वो कटर फेंकते हैं ना ऐसे, फट जाता लेफ्ट ही। 1 2 3 जय माता दी। और हो गया, आ ही गए आप तो अगेंस्ट में बैटिंग करने। अब्बा शाबाश, गुड शॉट यार, ब्यूटीफुल।
गुड वन गुड वन भैया। 8 ओवर में 1500 रन है। लेट्स सी कितने ओवर बना पाते हैं भाई 12 ओवर में। अच्छी विकेट कीपिंग हो रही है गाइस। कमल नहीं रही अभी तक तो मौसम भी ठीक है, बस ह्यूमिडिटी यार पसीने पसीने आ रहे हैं। विकेट कीपिंग करते हो तो मज़ा आ रहा है। रुकेगी फील्डर लगा एक, ये बहुत बढ़िया यार। कैच फील्ड है यार। एक ही एक ही एक ही बढ़िया यार। चौका है वो, चौका है वो, पहली बार चला गया था। अच्छा अंदर बोल रह गए। भाई 10 ओवर में 71 रन और 3 विकेट, कैसे चल रहा भाई? मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहा है 10 में 71। 150 भी मुश्किल बना है। देखी जाए भाई, अगर लास्ट में बढ़िया हिटिंग हो जाती है तो 190-180 भी हो सकता है, बाकी देखते हैं। तो ये हमारे ग्राउंड जिनके हैं इसमें सारा वही है रिफ्लेक्स का। और ये अपने आप बंद हो जाता है जब आ जाता है ना, ये आदत का ही होता है ये। इसकी भाई कितनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जब मैच टाइम होएगा वही होएगा। भाई आपके भाई की दूसरी कॉट बिहाइंड बहुत तेज थी यार ये वाली, तो रिफ्लेक्स का भी टाइम नहीं था। बहुत गर्मी है, गर्मी नहीं है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हवा भी चल रही है बीच बीच में। कैच तीन होगी भी आगे। ना गया हटो 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 मैं मार देता यार, मैं मार देता आउट हो जाता। वो ना दे दिया, आउट दे दिया। मैं मारता आउट हो जाता क्योंकि बॉल यहां से आने में मारता थोड़ा है, उसी का टाइम लग गया। मुझे लगा आएगी स्लाइड होके बढ़िया आएगी। आउट आउट, अभी बाहर है, अभी बाहर है, अभी भी बाहर है भाई, अभी भी यहां था। मैं स्टंप करके यहाँ भी आ गया तो भी बाहर थे वो। फील्ड यार पीछे तो जाओ। अरे कैच टेकन, प्लेट भी अपलेट। शॉट यार। तो भाई हमें टारगेट मिला 141 या 142 रन का। भाई फील्डिंग का कैसा रहा तुम्हें ये बताओ? भाई धूप में परेशान हो गया भाई, धूप थी खड़े होने के चुभ रही थी भाई। ये जो
ज्वार वगैरह उगी हुई है ना। हाँ ये खेत वेत है, खेत की वजह से भाई कह रहा है कि थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी टीम जा चुकी है बैटिंग करने और हमें 142-143 रन चाहिए। उसमें आपके भाई ने आज दो कैच पकड़ी है, दो स्टंपिंग हो गई थी बट एक नहीं दी अंपायर ने, क्लियर आउट था। आप सभी कॉमेंट करके मुझे जरूर बताए एशिया कप होने वाला है उसमें कौन सी टीम जीतने वाली है। भाई तुझे क्या लग रहा है? इंडिया भाई यार, बट चाइना अफरीदी रूल्ड आउट हो गए एशिया कप के लिए। मजे तो भाई तभी आते हैं, वही हमारे भाई एक नंबर। तो भाई देखते हैं एशिया कप में, हमारा तो भाई इंडिया को सपोर्ट है। बढ़िया कंपटीशन होना चाहिए ताकि यार T20 वर्ल्ड कप के लिए लड़के तैयार हो जाए, टक्कर का मुकाबला होना चाहिए जैसा होता है। देखेंगे अब एशिया कप, आप सभी कमेंट करके बताना एशिया कप कौन सी टीम जीतेगी। चेंज कर दिया फोन, शॉट है यार। और शॉट है क्या हुआ यश भाई बताओ जरा। बैटिंग ना तेरी आई ना मेरी आई। मैच यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ समरी मैच की। मैच खत्म होते ही ऐसा मौसम हो गया, अगर फील्डिंग के टाइम ऐसा मौसम होता ना भाई मजे ही आ जाते। अब एक और मैच होने वाला है भाई, बैक टू बैक। सुबह भी मैच था हमारा, सेकंड स्लॉट मैच था, अब थर्ड स्लॉट मैच होएगा। देखते हैं, मेरे को शायद कम चांसेस लग रहे हैं ये वाला मैच होने की, बादल की गरजने की आवाज आ रही है। आज के मैच की मैं आपको समरी बता देता हूँ आप सभी को। भाई 141 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे दूसरी टीम ने, मैंने 150 प्रिडिक्ट करा था उसी के आसपास बना। और भाई विकेट कीपिंग करके अलग ही मजे आ गए भाई। एक बढ़िया राइट साइड डाइव करके मैंने कैच पकड़ी, एक कॉट बिहाइंड ऊपर ही खड़ा था मैं और मीडियम पेसर ही था तो भैया ने ऊपर बुला लिया था, तो बढ़िया रिफ्लेक्स कैच थी। दो स्टंपिंग करी थी उसमें से एक अंपायर ने दी नहीं और एक दी, वो ठीक है भाई चलता रहता है अंपायर, अब जो भी है लास्ट कॉल है आप सभी को पता ही होगा। भाई हमारी टीम से बॉलिंग करते हुए एक तो धनराज भाई ने 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट लिए और मनोज 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। और इंदर भाई ने 2 ओवर 9 रन 2 विकेट और कपिल भाई ने 4 ओवर में 33 रन देके 1 विकेट। बैटिंग भाई एक विकेट को हम 9 विकेट से मैच जीत
गए हैं। आज की विकेट कीपिंग अच्छी हुई, बैटिंग तो आई नहीं आपके भाई की। भाई अब देखते हैं, ये वाला एक टूर्नामेंट का मैच है, इसमें से एक टूर्नामेंट में छह टीमें खेल रही है। आईपीएल में क्या होता है, टॉप फोर टीम्स जाती है और वो आपस में भिड़ती है। इसमें टॉप थ्री का है, फर्स्ट वाली सीधा फाइनल में जाएगी और सेकंड और थर्ड का सेमीफाइनल होगा। तो ये वाला हिसाब है इसमें। और बैटिंग करते हुए नितिन भाई नॉट आउट रहे, 50 बॉल खेल के 80 रन मारे और एक ही विकेट गिरी हेमंत भाई की, 27 रन। और इंदर भाई ने जाते ही 10 बॉल में 22 रन मार के मैच जिता दिया। बहुत ही ओवरऑल बहुत बढ़िया मैच हमारे लिए, अच्छी फिटनेस हुई क्योंकि बहुत गर्मी थी। बढ़िया रहता है ऐसे, मतलब सैटरडे संडे अगर हमारा यूटिलाइज हो रहा है बढ़िया मैच में, कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया चीज कोई है ही नहीं भाई। परफॉर्मेंस तो चलती रहती है, अच्छी बुरी चलती रहती है, आप अपने ऊपर मेहनत करते रहिए। आज के मैच के लिए इतना ही, आप सभी लोग कॉमेंट करके बता देना एशिया कप में आपको कौन लग रहा है, कौन जीतेगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट कार्डियो के चैनल को। हम 500K के बहुत ज्यादा पास है, प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और हम आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग या फिर चैलेंज वीडियो में। हम जल्दी वापस आ रहे हैं भाई, धीरे धीरे परफॉर्मेंस आ रही है, अपने पूरा जीजान लगा के खेलेंगे और आप सभी के लिए ऐसे ही बढ़िया कॉन्टेंट लाते रहेंगे। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, क्रिकेट खेलते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। Yeah, that's it. Tu aake dekh.